एक ओर जहां कोरोना महामारी के चलते सरकार का प्रयास है कि लोगों को स्वच्छ वातावरण में रखा जाए, क्योंकि स्वच्छता के द्वारा ही कोरोना महामारी को रोका जा सकता है, लेकिन ऐसे में गोवर्धन नगर पंचायत के अंतर्गत पुरोहित पायसा मोहल्ले में नलों से पीने के पानी की जगह कीचड़ युक्त गंदा पानी आ रहा है, जिसे लोग मजबूरी में नहाने धोने और पीने के काम में ले रहे हैं। लोगों ने इस परेशानी से नगर पंचायत को कई बार अवगत कराया। लोगों का कहना है कि अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। हालांकि पानी की नई पाइपलाइन डल चुकी है, लेकिन वह अभी चालू नहीं हुई। ऐसे में मोहल्ले के लोगों का जीना दूभर हो चला है। लोगों का कहना है कि अगर पीने के पानी की जगह ऐसा दूषित पानी मिलेगा तो कोरोना से पहले लोग बीमार पड़ जाएंगे और भयानक बीमारी जन्म ले लेगी। ऐसे में नगर पंचायत को जल्द से जल्द पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि दूषित पानी की रोकथाम हो सके और कोई भी व्यक्ति बेवजह बीमार ना हो। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी नगर पंचायत प्रशासन लोगों की इस समस्या का निराकरण करा पाता है, या फिर इसी प्रकार नलों से ये गंदा पानी बीमारियों को दावत देता रहेगा। गोवर्धन से मंच न्यूज के लिए नरेश उपाध्याय की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? थाना मुखिया। क्या समस्या आ रही है आपके मोहल्ले? समस्या ये है, जब से पंडित जी ने कार्यभार संभाला है नगर पंचायत का, उसी दिन से वार्ड नंबर 14 में बहुत ही गंदा पानी आ रहा है। सारी सीवरें उफान ले रही है। नगर पंचायत प्रतिनिधि जी को कई बार फोन कर दिया है, उनके व्हाट्सएप पे फोटो भेजती है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या सीवर लाइन अंदर से पाइपलाइन टूटी हुई है या पता क्या नहीं? पूरे मोहल्लावासी सारे लोग परेशान है, बहुत गंदी बदबू आती है घरों में, कोई सुनवाई नहीं हो रही है किसी चीज की। अभी नगर पंचायत की तरफ से देखा गया है कि तमाम नई पाइपलाइन भी डलवाई जा रही है, क्या ये चालू नहीं हुई? पाइपलाइन आधी कहीं पूरी नहीं डली है, आधी डली है। क्या ये अभी चालू नहीं हुई? नहीं, कोई चालू नहीं है। तो जो गंदा पानी आ रहा है वो पुरानी पाइपलाइन से आ रहा है? अब पता नहीं कौन सी से आ रहा है, 4 साल से 3 साल से जो भी शासन का हुआ है गंदा पानी है, पुरानी से आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। एक बाइट पानी को लेकर क्या समस्या आ रही है आपको? पानी को लेकर समस्या ये है कि जब से चेयरमैन साहब ने कार्यभार संभाला है तब से ही थोड़ी ये समस्या पानी की ज्यादा हो गई है, और अब तो बिल्कुल क्या बोले, इतना दूषित पानी है आदमी इससे ना तो नहा सकता है, ना कोई शौच का काम कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। पीने की बात तो बहुत दूर की है। ये लगभग कितने समय से आ रही है ये समस्या? तो स्टार्टिंग से ही हो गई थी जब से इन्होंने कार्यभार संभाला था। तो आपने इसे लेकर शिकायत की नगर? एक साल पहले से लेकर मैंने 6 महीने पहले 2 महीने पहले 3 महीने पहले तक भी शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं है। अब सुनवाई हमारी होती नहीं है, उन्होंने कह दिया कि साहब लाइन डलेगी, लाइन भी डल चुकी, पर इनमें लाइन में डलने के बाद भी इनमें तो पानी नहीं आ रहा है, ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली से चल रहा है, पुरानी लाइन से जी। तो हमारी तो केवल एक मांग है कि हमको चेयरमैन साहब पानी शुद्ध पिलाए, क्योंकि हमको ये है कि इतनी हमारे बीमारी लग जाएंगी इस दूषित पानी की वजह से, हम परेशान हो जाएंगे, हो सकता है कोरोना से ना मरे, हो सकता है कोरोना से ना मरे, इस गंदे पानी को पीकर मर जाएंगे।